नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू NKC न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69 जागरूक भर्ती को लेकर, साथ ही दोस्तों बहुत सारे आपको अपडेट दे देंगे, जैसे UP TET भी आपको अपडेट दे देंगे। इसमें 3-4 खबर निकल कर आ रहे, सभी अपडेट देखते हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं। एक ये भी अपडेट निकल कर आ रहे 69 भर्ती की, साल भर बाद भी फंसी है 69 जागरूक भर्ती। और दोस्तों नई नई भर्ती को लेकर भी अपडेट आ रही है, पूरी अपडेट अभी देखते हैं क्या क्या खबर आ रही है निकल के, सभी खबरें 1x1 करके देखेंगे। दोस्तों 90-97 मामला है जो PM मोदी तक अभी बात पहुँच रही है, तो दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं कैसे पहुंच रही है, क्या हो रहा है। उससे पहले जो लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल टोन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों यहां पर आपको ऑथेंटिक और सही न्यूज़ ही आपको दी जाती है और प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप ऐसा ना समझे कि यहां फेक न्यूज़ आपको कभी भी मिलता है, आपको हमेशा यहां रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको देखते हैं 1x1 करके न्यूज़ सभी। दोस्तों यहां से देख पा रहे हैं, परिषदीय स्कूलों में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो यहां देख रहे हैं कि अब जो है, यानी लख बेसिक देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री आज सतीश द्विवेदी ने प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती के लिए कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं सभी के, दोस्तों यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये हैं यहाँ पर कुछ और अपडेट निकल कर आ रही है। इससे यहाँ देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी तक जो ट्वीट आया है उनका ऑफिशियल देख रहे हैं। इसमें साफ ही कहा गया है कि शेयर योर आइडिया एंड सजेशंस फॉर दिस मंथ। इसमें ना देख रहे हैं कुछ आपका जो है आइडिया उनको कहने के लिए कहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है टोल फ्री नंबर भी दिए जा रहे हैं, उनसे अपना मन की बात कह सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं उनका ऐप भी जारी किया गया है, यानी ऐप मन की बात में जो है देख रहे हैं 29 दिसंबर 2019 यहाँ पर आपका जो है आइडिया शेयर करने के कहा गया है। यानी इस पर जो है 90-97 जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस पर दोस्तों आइडिया शेयर करेंगे और अपना मन की बात मोदी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो है वहां नहीं कहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहां देख रहे हैं सभी जो है पेपर कटिंग के माध्यम से सभी वायरल हो रहे हैं ट्विटर सभी जगह, यहां पर देख रहे हैं कि तो दोस्तों आप लोग है कि इस पर जितना ज़्यादा हो इस पर टोल फ्री नंबर दिया गया, इस पर जो है इस पर कॉल करके उनको ट्वीट भी कर सकते हैं और इनको कॉल कर भी कह सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं सभी दिया गया है, तो इनके 90-97 जो भी अभ्यर्थी हैं कटवा मुद्दा को लेकर, उनको जल्दी से जल्दी कहिए जो फंसी हुई भर्ती इनको कराने के लिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें लग गए हैं और अपना मैसेज कर रहे हैं, अपना जो कॉल है वो भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भेज रहे हैं, ताकि जो है आपकी 69,000 मुद्दा जो है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। नहीं जानते साल भर तो हो ही गया है, यानी 6 जनवरी को हुई परीक्षा, आप देख रहे हैं 6 जनवरी आने वाला है, लेकिन अब जनवरी में इसकी क्लियर होने की चांस है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर कुछ होता है तो आपका फाइनल होने की चांसेस बढ़ सकती है। वही दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 69,000 भर्ती की जो है साल भर बाद भी फंसी 69,000 शिक्षक भर्ती थी। यहाँ देख रहे हैं उनके बारे में दिया गया है, प्रदेश में नए शिक्षक भर्ती आयोग के गठन के बाद कई पुराने भर्तियों की रफ्तार मिलेगी, लेकिन देख रहे हैं बेसिक शिक्षा स्कूलों में भी 69,000 शिक्षक भर्ती के फंसने के आसार फिर भी दिख रहे हैं। साल भर से देख रहे पहले घोषित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शासन की ओर से परीक्षा के बाद भी नियमों में बदलाव के चलते भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। इस शिक्षक भर्ती में सरकार की ओर से सेवा में निकाले गए शिक्षा मित्रों को आवेदन करने का मौका दिया गया था, और सरकार की ओर से 2018 में घोषित 8,500 सहायक अध्यापक भर्ती के नियमों को बदलकर 2019 में नए नियम लागू कर दिए, और नए नियम के बाद शिक्षा मित्रों को उस मेरिट तक पहुंचना कठिन लग गया। यहां देख रहे हैं कि लग रहा है ऐसे में भर्ती के जो है बीच में ही नियम बदल जाने के खिलाफ अभ्यर्थियों के निर्णय का विरोध कर दिया, और इस मामले में देख रहे हैं लगातार हिलावली बरतने जाने से नाराज परीक्षार्थियों का कहना है कि कोर्ट में मामले में सरकार जो है अपना पक्ष नहीं रख रही है, और अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 के बाद सरकार 2019 का जो है TET भी कराने जा रही है, और ऐसे में भर्ती देख रहे जैसे जानते हैं TET भी 22 फरवरी को होने जा रही है, और TET करने जा रहे हैं, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया फंसी होने से अभ्यर्थियों को परेशानी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जानते हैं अब TET होगा, TET में भी अब हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जानते हैं जब 22 दिसंबर TET होने जा रहे हैं उसमें दोस्तों है कि आपका जो है कहीं यदि आप यानी व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। यानी जानते हैं व्हाइटनर उसमें साफ कर दिया, हमें पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा उसी का आप देख सकते हैं, कल के न्यूज़ में आया है UP TET को लेकर, वहाँ साफ ही दिखा गया, इसमें कहा है यदि आप
सफ़ेदा उसमें यूज़ करेंगे तो उसमें आपका जो है साफ ही ORCID को चेक नहीं किया जाएगा, जिसमें कि आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जब चेक ही नहीं किया जाएगा तो आपको समस्या बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यानी ज़्यादा ज़्यादा यानी सोच समझ के ही फिल करना है, जितना भी है उसमें डॉक्यूमेंट आप रखिए एकदम पूरा ऑल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, उसमें गोला भरिए और भरने के बाद किसी भी गोला पर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कीजिए, नहीं करने के बाद आपका जो है ORCID वहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। और उसमें साफ ही कह दिया गया है न्यूज़ में, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के यहाँ पर देख लीजिएगा, ओरिजिनल वीडियो आपको दिख जाएगा, IP TET का लेकर है, कल मैं वीडियो बनाया था, जो नहीं देखेंगे आप यहाँ देख पाएंगे। तो मैं उसको लिंक यहाँ भी आई बटन में भी दे दूंगा हो सकता है, और यहाँ भी शो कर जाएगा। तो दोस्तों यही अपडेट थी, मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ। ज़्यादा 69,000 भर्ती की आप करना चाहते हैं, संशोधित भी उत्तर कुंजी यदि जारी करवाना चाहते हैं तो PM मोदी पर मनो ऐप पर जाके टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और ट्विटर के माध्यम से उनको वहाँ मैसेज कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो हो सकता है इस पर भी निर्णय लेंगे PM मोदी, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों नए अपडेट मिलते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।